तो पिवट टेबल में हम एक्सटर्नल पिवट टेबल कर रहे हैं, और एक्सटर्नल पिवट टेबल से पहले हमने कैलकुलेशन पढ़ा था। तो कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल की। तो इसमें कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए हम एक्सटर्नल पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में कि मुझे इस पे पिवट बनाना है, राइट। तो मैं चाहता हूं जब मैं इसको पिवट बना लेता हूं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? डेटा अपडेशंस का। जैसे हमने यहां पे बना लिया, अब इसमें कोई भी नाम या कोई ऐसा चीज हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेम रख दिया और यहाँ पे मैंने जनवरी का टोटल लिख दिया, तो नेम यहाँ विकास आ गया। अगर डेटा में मान लीजिए मैं एक नया नाम मोहित, या फिर एक काम करता हूँ कुछ यूनिक नाम रख देता हूँ सृष्टि, और इसके नंबर्स मैंने ऐड कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मेरे पिवट में सृष्टि, एक मिनट, हम इसमें लगाया ना पिवट, हाँ यहाँ पे लगाया, हमने सृष्टि नाम दे दिया। अब इस पिवट के अंदर हमारा नाम अपडेट नहीं होगा रिफ्रेश करने पे। तो रिफ्रेश हमने लास्ट क्लास में बताया था, रिफ्रेश होने पे अपडेशन कब होता है? जब इसमें हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं। हमने कोई नया वैल्यू ऐड किया तो पिवट पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ जाता है? हमें चेंज डेटा सोर्स और सोर्स को वापस रीसेलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे मैं डेटा रिफ्लेक्ट करता है। मैं इसी चीज को नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा को रीसेलेक्ट किए ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, जैसे इंसर्ट टेबल। हर टेबल की अपना नाम होता है, जैसे यहाँ पे टेबल 1 है, इसका नाम आप डेटा भी चेंज कर सकते हैं, डेटा कर दिया। अब मैं इसके ऊपर जब पिवट लगाऊंगा, इंसर्ट पिवट लगाऊंगा, तो पर्टिकुलर डेटा पे लग रहा है, किसी रेंज पे नहीं। अब यहां पे मैं नेम डाल दिया और यहां यहां पे मैं टोटल डाल दिया। अब मैं अपना यहां नीचे आता हूं, डेटा में चेंज करता हूं। जैसे यहां पे मैंने कर दिया, मान लीजिए ऑटोमेटिक टेबल आ गया, दिख रहा है आपको सर? ऑटोमेटिक टेबल आ जाता है, जैसे तेज़ टाइप करोगे आ जाएगा, नहीं आया तो इसको पकड़ के ड्रैग नीचे कर सकते हो। पिवट पे करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे करना है। पिवट पे जाके जस्ट आपको रिफ्रेश करना है, पिवट में आपको जस्ट रिफ्रेश करना है। अरे ब्लैंक भी तो शो हो गया इसमें, ब्लैंक शो हो गया। नीचे का रो भी ले रहा है। जी हाँ जी, एक जो यहाँ ब्लैंक था ना, एक स्टार रो उसको ले रहा है, एंटर मार दिया था ना। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, आपका नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब डेटा कॉपी पेस्ट करते हो कहीं से लेके आते हो तो आपको बार बार टेबल को ड्रैग करना पड़ता है। तो टेबल वाला भी जो क्वेश्चंस है वो सही नहीं है। इसको भी हम इसको कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं, टेबल में कन्वर्ट, टेबल भी अच्छे तरीके से नहीं है। तो दूसरा तरीका है हमारा एक्सटर्नल डेटा सोर्स। जी हाँ, एक्सटर्नल डेटा सोर्स। मैं राइट क्लिक किया, यहां पे डिलीट कर, तो मैं यहां पे आता हूं इंसर्ट पिवट टेबल, और पिवट टेबल में मैं यहां चूज कनेक्शंस में हम ब्राउज फॉर मोर पे आते हैं। और यहां आपके पास हम अपने इसमें लोकेशंस पे जाते हैं जहां पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको टेबल सिलेक्ट करना होगा कि एक बार में किसी एक ही टेबल से आप पिवट लगा सकते हैं। तो मैं टीपी पे यहाँ पे 8 सीट नंबर 5
हमने सिलेक्ट किया, देन ओके, देन अब इसमें मैं अपना पिवट कर लेता हूं। अब यहां पे एक नया नाम और ऐड करता हूं, जैसे बी ए आई डाल दिया। अबे मुझे जस्ट पिवट को रिफ्रेश करना है, आ गया सर। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कॉलम नहीं आता। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे जुलाई के जगह पे अगस्त ले लिया, जुलाई के जगह पे अगस्त ले लिया, तो अगस्त की एंट्री आपको वहां पे नहीं दिखेगी। एक प्रॉब्लम इसमें भी होता है, यहां आप रिफ्रेश कीजिए, आपको यहां अगस्त नहीं दिखा, अगस्त। तो आप एक्सटर्नल पिवट टेबल की मदद से अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। डेटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका पिवट ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि आपका कॉलम इंक्रीज होगा तो कॉलम इंक्रीज नहीं होगा, समझे? क्लियर है सर, डाउट कोई? नो सर। सर इसमें कोई वो ऑप्शन भी तो होता है, वो नेम मैनेजर बना देते हैं वो। हाँ मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े चलते हैं। अच्छा। जो फुल्ली डायनेमिक है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला ऑफसेट का। ऑफसेट हमने रेफरेंस दे दिया, यहां से हमने बोला जीरो रो जीरो कॉलम। अब इसकी हाइट के लिए मैं काउंट ए लगा लेता हूं, काउंट ए, और विड्थ के लिए भी हम यहां काउंट ए लगा लिया, और विड्थ के लिए भी हम यहां पे काउंट ए लगा लिया। जैसे इसने क्या किया, तो इसने क्या किया, यहां से जीरो जीरो कॉलम और बोला कि डेटा सेट की हाइट इसकी काउंटिंग अकॉर्डिंग है और विड्थ भी काउंटिंग अकॉर्डिंग है। अगर मैं इसको सम के अंदर में डालूं तो आप ऑफसेट आखिर कर क्या रहा है, मैं यहां आपको फॉर्मूला एवलेट करके दिखाता हूं कि ऑफसेट ने पहले डेटा अकाउंट निकला 229 कॉलम और इसने लगाया 9 रो। ऑफसेट को मिला A1 सीरीज को जीरो रो जीरो कॉलम चलना है और इसकी हाइट 229 और विड्थ 9 रखना है। इसे पूरा इसका एड्रेस बना दिया सर, A1 से 229। क्लियर है? तो एड्रेस हमने जितना काउंटिंग दिया उसके हिसाब से एड्रेस दे दिया। समझिए सर, ऑफसेट ऑफसेट का मतलब क्या, मतलब यूज क्या करते हैं ऑफसेट का? ऑफसेट का मतलब होता है डेटा रेंज बनाना। ऑफसेट मतलब किस पर्पस के लगाया आपने? फार्मूला होता है डेटा रेंज, जैसे हमने बोल दिया कि यहां से चलो और तीसरा नंबर रो दूसरा नंबर हेलो रो तीसरा नंबर कॉलम और एक हाइट एक विड्थ कर दिया ना सर। यहां देखिए आ जाएगा 76। तो बेसिकली 76 नहीं आ रहा है, 76 आपको याद, एक मिनट ये दिखा रहा है। हमने बोला हुआ है कि भाई A1 से चलो दूसरा नंबर रो तीसरा नंबर कॉलम, तो यहां से इसने काउंटिंग शुरू किया 0 1 2 और यहां से इसने काउंटिंग किया 0 1 2 3 76। तो इसने D3 इसने दिया क्या, इक्वल D3 दिख गया सर, इक्वल D3 ले लिया रिटर्न हुआ। लेकिन यहां पे वैल्यू दिख रहा है क्योंकि सिंगल सेल है, इसलिए अगर इसी में मैं बोल दूं विड्थ में 2 विड्थ 2 कर दिया ना, अब देखिए यहां पे नंबर यहां पे हटाने पड़े तो 71 और 76 आ गया, 76। तो इसने क्या किया कि यहां से D3 and E4 कर दिया, इसने ये किया D3/E4 थ्री, सॉरी बात समझे?
नहीं एक्चुअली वो क्वेश्चन था ना ऑफसेट क्यों यूज करते हैं, मतलब व्हाट, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, एड्रेस बनाने के लिए, एड्रेस बनाने के लिए यूज करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि मुझे ऊपर से ऊपर ऊपर के दो रो, तीन रो और दो कॉलम का एड्रेस चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए मुझे, इसका एड्रेस क्या होगा, A1 से लेके B3 ये होगा ना, A1 से लेके B3। देखिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास नंबर में है भाई एक रो और तीन कॉलम है, दो रो एंड तीन कॉलम, दो रो कॉलम एंड तीन रो है, दो कॉलम एंड तीन रो है, नंबर में है, तो कैसे बनाएंगे हम? इसके लिए हम यहाँ पे देंगे फॉर्मूला ऑफसेट का, कि ऑफसेट हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि भाई सेम, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग नेम से ही करना है, इसलिए 0-0 कर देते हैं, नीचे नहीं आना है। हाइट में मैंने बोल दिया 2 और विड्थ में मैंने दिया 3, आ गया सर। हाइट को मैं यहां से 3 कर देता हूं, हाइट को अगर मैं 3 कर देता हूं तो 3 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस बना के दे रहा है, जैसे कि यहां पे ऊपर हमने एड्रेस बनाया है A1 से B13 दिख रहा है, एड्रेस बना के दे रहा है। क्योंकि आप बोलेंगे सर इसका बेनिफिट, तो जब हम पिवट लगाते हैं तो पिवट में हमें एड्रेस ही तो देना पड़ता है, बात समझे, और ऑफसेट आपका एड्रेस ही बना रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि मैं डायरेक्ट यहां पे ऑफसेट का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, पिवट बोलता है कि यहां पे डिफाइन नेम टेबल रेंज या फिर डायरेक्ट रेंज कर दीजिए। तो हम इस जो हमने यहाँ ऑफसेट का जो फॉर्मूला लगा रखा है इसको तो फ्रीज कर देंगे हम, इस ऑफसेट के फॉर्मूले को उठाएंगे और हम चले जाएंगे नेम मैनेजर में, डिफाइन नेम, और यहाँ पे हम डी टी कर देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, और यहाँ पे इक्वल एक ब्रैकेट बंद होगा, यहाँ पे हमने दे दिया फॉर्मूला, देन ओके। अब मैं जब पिवट किसी कहीं पिवट लगाऊंगा, जैसे मुझे यहीं पे पिवट लगाना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल डी टी, माफ कीजिएगा मुझे सिर्फ डी टी लिखना है, डी टी, अच्छा हमने फ्रीज नहीं किया, आई थिंक यही पे प्रॉब्लम है। आगे यहाँ पे सर अब वर्क करेगा, हमें यहाँ पे इक्वल पिवट टेबल और यहाँ पे डीटी डाल दिया, देन ओके, बट लग गया सर। अब इससे फायदा होगा कि जैसे मैं यहाँ पे कोई कॉलन ऐड करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई कॉलन जैसे मान लीजिए सितंबर को ऐड किया, तो वहां काउंट ये बढ़ गया ना, या टोटल ऐड करता हूं, टोटल इसी के तरफ ब्रैक करता हूं। अब यहां पे देखिए ए हमारा ऑटोमेटिक रिफ्रेश करेंगे, यहां टोटल आ गया, ठीक सर। तो जो ऑफसेट क्या किया, वो काउंट में डेटा जितना रो और जितना कॉलन है उसके हिसाब से एक एड्रेस बना देता है, और वो एड्रेस जो है नेम मैनेजर को देता है, और नेम मैनेजर वापस पिवट टेबल को देता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं। अब बात करते हैं कि हम एक्सेल में हमारे पास जो ऑफिस के अंदर में कुछ बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, काफी बड़े फाइल्स होते हैं, और वो जब भी उस फाइल को हम ओपन करते हैं तो काफी टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, ये काफी जो है टाइम कंज्यूम करता है, जब भी हम उसको करते हैं तो काफी टाइम कंज्यूम करता है। तो उस केस में क्या करते हैं,
जब वो टाइम कंज्यूम करता है तो उस केस में हम जो है फाइल को टाइम कंज्यूम क्यों करता है पहले इसको देखते हैं। टाइम कंज्यूम करने के पीछे रीजन ये होता है कि वो फाइल काफी बड़ी होती है, जब भी उस फाइल को मैं खोलता हूं तो काफी ज्यादा टाइम लेता है ओपन होने में, कैलकुलेटिंग परसेंटेज और बाकी चीजें दिखाता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल जब मैं ओपन करूं तो मेरा फाइल जल्दी ओपन हो, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि फाइल को खोलने की जरूरत ही ना पड़े। जनरली मैं उस फाइल से पिवट टेबल ही लगाता हूं ना, तो मुझे उस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं है। मैं पिवट टेबल पे जाऊंगा, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ब्राउज फॉर मोर, और यहां पे हम आते हैं अपने लोकेशन पे जहां पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। आ गया, और यहां से अपने फाइल को सिलेक्ट करता हूं। अगर पिवट एक बार जो पिवट लगाएंगे तो उस समय आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर पिवट लगाने के बाद आपके पास आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर वो उससे पैच कर देगा और उससे फास्ट, वो जो आपका एक्सेल शीट है उससे फास्ट वर्क करेगा। ठीक है सर। उसी तरीके से आप एमएस एक्सेस डेटाबेस आपके पास है तो यहां पे चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहां आप जो है डाउनलोड में जाते हैं, एमएस एक्सेस से आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्यों होगा, हाँ ये रहा। ऐसे आपको अगर SQL सर्वर है या ओरिकल है उससे भी आप पिवट डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये चीज हम आपको डेटा कनेक्टिविटी में इसके बारे में एक्सटर्नल डेटा सोर्स के ऊपर और अच्छी तरीके से जो है हम आपको डेटा कनेक्टिविटी में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहां पे एक चीज जान लीजिए कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया और 2007 तक का एक्सेल था, अब 2007 से ऊपर का एक्सेल अगर आपको सीखना है तो वो हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे, और उसमें स्लाइसर्स, पावर पिवट, बाकी चीजें होंगी। पिवट टेबल की दो क्लासेस और रह गई है, लेकिन पहले बताइए आप लोगों के पास लेटेस्ट वर्जन का एक्सेल है ना? 2013 है सर मेरे पास। तो मेरे पास नहीं, मैनेज कर लूंगा। आप कब से करोगे, कल से? जी हाँ कल से। ठीक है ठीक है, तो कल से आप मैनेज कर लीजिए, कल से नहीं आपको ऑल्टरनेट वेडनेसडे सॉरी कल प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। हाँ, तो कल इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसकी ही कि नहीं, अभी तक की जितनी पीपर्स मैंने पढ़ाई है, लाइक अभी मैं आपको 15 मिनट और पढ़ाता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक की जो क्लासेस है आपकी उस सारी क्लासेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद 2013 की 16 और 19 के फीचर्स हम शुरू करेंगे। ठीक है मैम, और ठीक है सर, ठीक है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा।